दोस्तों सबसे पहले आप बगल में इस मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जहां पर मैंने एक चैनल ओपन कर रखा है जिसका नाम है A1 लाइफ स्टूडियो। और ये भाई साहब अपने चैनल पर वीडियोस बनाते हैं किस तरह का, तो ये भाई साहब अपने चैनल पर वीडियोस बनाते हैं स्टोरी का, अपने यूट्यूब वीडियोस पर ये स्टोरी पढ़ पढ़ कर वॉइस ओवर करके यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करते हैं और इनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके चैनल पर अभी के टाइम पे 1,12,000 सब्सक्राइबर भी है और अभी तक इन्होंने सिर्फ 116 वीडियो ही अपलोड किया है। आप सोच रहे होंगे इतना कम वीडियोस अपलोड करके इतना ज्यादा ग्रोथ इनके चैनल को कब मिला है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि ये चैनल बना कब है, तो यहाँ मैं स्लाइड करूंगा और अबाउट में जाऊंगा। अबाउट में जाने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये चैनल कब बना है। तो ये चैनल बना है 5 जनवरी 2022 को और देखिए 8-10 महीने में ही इनके चैनल पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और चैनल मोनेटाइज भी। इसका मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ, एक वीडियो यहाँ मैं चला करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इससे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐड आ रहा है, तो वैसे ऐड तो सभी चैनल पर आता है, यहाँ ऐड में स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद पे यहाँ पे देखिए आपको देखेंगे तो यहाँ पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल चुका है। और सुपर थैंक्स का ऑप्शन कब मिलता है, जब किसी का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा सुपर थैंक्स का ऑप्शन नहीं आता है। ऐड तो वैसे सभी चैनल पर आता है लेकिन इनके चैनल पर सुपर थैंक्स भी है, तो यहाँ पे प्रूफ मिल गया आपको कि इनका चैनल मोनेटाइज भी है और ये अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। अभी के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि स्टोरी वीडियो कैसे बनाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक नया आइडिया मिलता है कि स्टोरी वीडियो कैसे बना सकते हैं और स्टोरी वीडियो बना करके आप अपने चैनल को ग्रो भी करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे आज एक भाई ने मैसेज किया था कि वो स्टोरी वीडियो बनाएंगे तो उनका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, और उनको कुछ डाउट भी था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं सोचा कि इस पर एक फुल वीडियो बना देना चाहिए। और बहुत सारे लोग अभी इस तरह के वीडियोस को अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिखा भी दिया है कि ये भाई साहब 1 साल से भी कम टाइम में 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। तो आज मैं आपको फुल टूटल बताऊंगा कि आप इस तरह के वीडियोस कैसे बना सकते हैं, कहां से आप स्टोरी लेंगे, कहां से आप एडिटिंग करेंगे, कैसे एडिटिंग करेंगे और कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करेंगे, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम ला लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा जानकारी आपको मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अच्छे से जानकारी देता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे इस तरह के वीडियोस को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से आपको शूट लेना है, कहाँ से सॉन्ग लेना है और कैसे एडिट करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम में ही आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको google.com सर्च करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइट बैकग्राउंड। लाइट बैकग्राउंड जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने इमेजेस में क्लिक करना है। इमेजेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है उसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ मैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद उसे डाउनलोड करूंगा। तो मुझे यहाँ पर्पल बैकग्राउंड जो है वो मुझे अच्छा लगा, इसे मैं दबाऊंगा और थोड़ा सा दबा के रखूंगा। इसके बाद ये नीचे में आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आता है, आपको उसमें क्लिक कर देना है, ये बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक करना है और गूगल में ही आ जाना है। और गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी और उसके बाद गो पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आ चुके हैं, यहाँ पे स्टोरी वाले वेबसाइट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आप इसमें से कोई भी वेबसाइट में जा करके स्टोरी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको कोई एक वेबसाइट में जा करके दिखाता हूँ, जिससे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है यह कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टोरी को ओपन करना है। और इसके बाद स्टोरी ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए जो जितना भी स्टोरी है यहाँ से आपको एक एक पैराग्राफ कॉपी करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपको अब अपने मोबाइल में काइन मास्टर को ओपन करना है। तो यहाँ मैं काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ। तो काइन मास्टर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और इसके बाद 16:9 पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड किए होंगे वहाँ से आपको उस बैकग्राउंड को ओपन करना है। तो यहाँ मैं ओपन कर चुका हूँ। अब जैसे यहाँ पर साइड साइड में ब्लैक पट्टी आपको दिखाई दे रहा है तो आपको इसे जूम करके इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। तो सिंपली आपको इमेज में क्लिक करना है और इसके बाद ऊपर राइट कोने में देखिए आपको पैन एंड जूम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करना है और इक्वल टू में क्लिक करके आपको इसे पकड़ के थोड़ा सा खींचना है, जिससे ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस बैकग्राउंड को आपको खींच करके थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देना है और इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना है। अब दोस्तों वापस से आपको जाना है स्टोरी में, मतलब कि आपको गूगल क्रोम में ही वापस जाना है। अब दोस्तों जो भी स्टोरी है इसे आपको एक ही बार में पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, आपको एक एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ मैं एक पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद आपको एक पैराग्राफ आपको भी सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद काइन मास्टर आइए, काइन मास्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली बैक करना है और इसके बाद जाना है आपको लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद सिंपली यहाँ से आपको उस स्टोरी को पेस्ट कर देना है, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे ये एक पेज में नहीं आ रहा है, तो आपको इसे थोड़ा सा सेट करना है। यहाँ से देखिए इसको पकड़ कर छोटा करना है और इसके बाद आपको वापस से जाना है एडिट में, और एडिट में जाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा और इंटर करना होगा, इसे एडजस्ट करना है। आपको कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पे हर एक लाइन को दो पार्ट में काट देना है। दो पार्ट में काटेंगे तो ये लाइन छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा सा पेज में अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ ये स्टोरी थोड़ा सा एक पेज में अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका कलर के बारे में। कलर आपको ऐसा रखना है जो कि इस बैकग्राउंड में दिखना चाहिए अच्छे से, तो आपको नीचे तक कलर में जाना है और कलर में जाने के बाद आपको देख लीजिए कौन सा कलर अच्छा दिख रहा है। जैसे ग्रीन इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको कोई और कलर लेना है, जैसे रेड लेता हूँ। रेड लेने के बाद देखिए रेड भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है लेकिन उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई डार्क कलर चूज करना होगा। डार्क में यहाँ पर ब्लू लेता हूँ, ब्लू क्या अच्छा दिख रहा है, नहीं अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट ले लूँगा। और व्हाइट लेने के बाद आपको करना है, व्हाइट थोड़ा थिक दिख रहा है लेकिन इसमें आपको आउटलाइन लगाना है जिससे कि ये और भी अच्छा दिखे। आउटलाइन आपको ब्लैक कलर रखना है और यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे वेट देखिए यहाँ पे 15 है, आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है, इसको आप 10 के आसपास ले जाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये व्हाइट कलर है और थोड़ा सा देखने में अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आप इसको फुल स्क्रीन चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से आप इसको इन एनिमेशन या आउट एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इन एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ से कोई भी एक एनिमेशन लगा सकता हूँ, और यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा दीजिए। और इसके बाद आपको वापस से आना है और इसके बाद आपको आउट एनिमेशन लगाना है। आउट एनिमेशन में आप इसी तरह से लगा लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता है। इसके बाद आपको करना है थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए और यहाँ पर आपको फर्स्ट जो हो गया है इसके लिए आपको वॉइस ओवर करना है, ठीक है। वॉइस ओवर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर के सर्च करना है, जो भी स्टोरी लिखा हुआ है आपको सिंपली उसे पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको वॉइस ओवर करने के बाद स्टॉप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद आपका करना है जितना एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे देखिए आपका वॉइस यहाँ पे खत्म हो गया ना, यहाँ पे वॉइस खत्म होने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा हुआ है इसको आपको कट कर देना है। कट करना है इस तरह से और बैकग्राउंड को भी उसी तरह से कट कर देना है। इसके बाद आपको करना आपको सेकंड पैराग्राफ लेना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में टच करना है और यहाँ पे ऊपर लेफ्ट को देखिए थ्री डॉट रहा, थ्री डॉट में क्लिक करना है और आपको डुप्लीकेट करना है ताकि ये बैकग्राउंड जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको ये टेक्स्ट जो है इसको भी डुप्लीकेट कर लेना है ताकि सेम फॉन्ट सेम कलर में वो कॉपी हो जाए सेम डिजाइन में। और इसके बाद उसका ड्रैग करके इसके बाद ले आना है अगले वाले बैकग्राउंड के नीचे में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको वापस जाना स्टोरी में और स्टोरी में जाने के बाद आपको सेकंड पैराग्राफ को कॉपी करना है। तो यहाँ जो सेकंड पैराग्राफ है उसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद वापस से काइन मास्टर में आइए। अब यहाँ से काम आपका फटाफट शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में ही टाइम लगता है, सेकंड में आपको आराम हो जाता है। अब वापस आपको एडिट में जाना है और इस पहले वाला टेक्स्ट को मिटा देना है, पहले वाला टेक्स्ट को पूरा मिटा दीजिए और जो अभी आपने कॉपी किया है सेकंड पारा उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ को मिटा देता हूँ, पूरा मिट चुका है लगभग, और इसके बाद मैं सेकेंड पैराग्राफ को सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद आपको यहाँ भी वैसे ही इंटर इंटर करके सेट करना है ताकि वो एक पेज में अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पारा भी जो है वो अच्छे से पेज पर आ चुका है, आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसके लिए भी वॉइस ओवर करना है और इसके बाद जो देखिए आप वॉइस ओवर कहाँ तक आ रहा है, इसके बाद का जो भी टेक्स्ट है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर देना है, राइट वाला सेलेक्ट करके कट कर देना है और बैकग्राउंड को भी कट कर देना है। इसी तरह से आपको बैकग्राउंड को कॉपी करना है, टेक्स्ट कॉपी करना है और स्टोरी का एक एक पैराग्राफ को कॉपी करके लाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और इसके बाद दूसरा काम आपका है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो आपको सिंपली एक सैड बैकग्राउंड या फिर जिस भी तरह का आप स्टोरी बता रहे हैं, अगर हैप्पी वाला बता रहे हैं तो आपको हैप्पी टाइप का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो डाउन करना है, या फिर सैड स्टोरी बता रहे तो आपको सैड बैकग्राउंड आपको डाउन करके रखना है। और इसके बाद ऑडियो में जाना है और यहाँ पे आपको फोल्डर में जाने के बाद डाउनलोड किया होगा आपने, डाउनलोड में जा करके आपको सिंपली कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक को लगा लेना है यहाँ से इस तरह से। लेकिन ध्यान रहे इसका जो साउंड है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। तो आपको जो म्यूजिक है उसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको साउंड पे आना है और साउंड में आने के बाद आपको इसे 7-8% के आसपास रखना है ताकि जो म्यूजिक है वो ज़्यादा सुनाई ना दे, बिल्कुल धीरे धीरे सुनाई दे और आप जो वॉइस ओवर कर रहे हैं वो अच्छे से सुनाई दे। अब यहाँ पे आप प्ले करके देखिए ये प्ले होना शुरू हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसके बाद एक काम आपको और करना है कि जैसे ही फर्स्ट वाला पैराग्राफ खत्म हो जाए सेकंड पैराग्राफ शुरू होने के पहले यहाँ पर देखिए इस जगह पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ जो
दोनों बैकग्राउंड के बीच में जो लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको छोटा सा, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने से क्या होगा वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होगा, दूसरा स्टार्ट होने से पहले एक इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट खत्म हो गया, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया और इफेक्ट के साथ पहला वाला गायब हो गया है। इस तरह से दोस्तों आपको कॉपी पेस्ट करके आपको स्टोरी तैयार करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो को सेव करना है। इस तरह से आप स्टोरी को गूगल से कॉपी करके तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी स्टोरी वीडियो बनाना सीख गए होंगे और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोज को आप वॉच कर सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।